गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज पुनः हम माइक्रो टीचिंग के क्लास में मूल्यांकन कौशल के बारे में चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है मूल्यांकन का महत्व। मूल्यांकन का क्या महत्व है, तो आइए हम जानते हैं कि मूल्यांकन की शिक्षा में क्या महत्व है, जीवन में क्या महत्व है। तो मूल्यांकन शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। मूल्यांकन शिक्षण की जो भी शिक्षा हम प्राप्त करते हैं वह मूल्यांकन के द्वारा ही यह ज्ञात होता है कि हमने वह शिक्षा किस हद तक उस शिक्षा को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। वह हमारे उद्देश्य को स्पष्ट करता है, छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। जब किसी छात्र को अच्छे प्रदर्शन के लिए, जब वह किसी भी एग्जाम में, किसी भी मूल्यांकन प्रक्रिया में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो वह उसे और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है और अध्ययन और उत्कृष्ट करने के लिए प्रेरित करता है। को स्पष्ट कर देता है कि उसे आगे किस तरफ पढ़ना है, उसे और कितनी मेहनत करनी है। छात्रों को अध्ययन के लिए जब के लिए प्रेरित करता है। कोई जब मध्यम बुद्धि लब्धि का छात्र भी जब भी वो अपने प्रदर्शन के आधार पर और मेहनत करने के लिए वो भी प्रेरित होता है कि वह भी एक उत्तम प्रदर्शन कर सके। तो यह जो मूल्यांकन प्रक्रिया है वह छात्रों के उद्देश्यों को स्पष्ट करती है और उसे अध्ययन के लिए भी प्रेरित करती है। मूल्यांकन शिक्षा के सुधार तथा गुणवत्ता उन्नयन में सहायक होता है। शिक्षा में सुधार, जो भी शिक्षा हम प्राप्त करते हैं उसमें क्या त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को दूर कर वह उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होता है। मूल्यांकन उचित शैक्षिक निर्णय लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मूल्यांकन के द्वारा ही हम ये निर्णय ले पाते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट में दक्षता प्राप्त करनी, या अगर हम व्यावसायिक दृष्टिकोण से किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, हम या मूल्यांकन के द्वारा ही ले सकते हैं। मूल्यांकन ही, जैसे कि हम एग्जाम्स देते हैं, बोर्ड एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, बोर्ड एग्जाम आपके होते हैं, इंटर का एग्जाम होता है, 10+2 देते हैं आप, तो वह ये निर्धारित उस मूल्यांकन की प्रक्रिया में हो जाता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट आपका ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसके आधार पर एक आप अच्छी शैक्षिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को शैक्षिक तथा व्यवसायिक निर्देशन दिया जा सकता है, शिक्षा में भी और व्यवसाय में। अगर कोई बच्चा कॉमर्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है या साइंस में अच्छा प्रदर्शन करता है, आर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो उसी के आधार पर उसे निर्देश दिया जा सकता है कि वह किस क्षेत्र में उसे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। इसका आधार भी मूल्यांकन है। और अवांछित व्यवहार घटक के बारे में जानेंगे। मूल्यांकन विषय वस्तु से संबंधित हो। जब भी हम मूल्यांकन की प्रक्रिया करें तो उसमें सब्जेक्ट मैटर जो हो, मूल्यांकन जिस मूल्यांकन कार्य को कर रहे हैं तो वह विषय वस्तु से संबंधित हो, वह सब्जेक्ट से संबंधित हो, उद्देश्यों का निर्धारण हो। मूल्यांकन के समय उद्देश्यों का निर्धारण आवश्यक है। उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए और उसी के आधार पर मूल्यांकन की प्रक्रिया को करना चाहिए।
मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अध्ययन अध्यापन से संबंधित हो। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी शिक्षा या कोई भी कौशल हम किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही करते हैं, तो यह अध्ययन और अध्यापन जो है वह उसी उद्देश्य से संबंधित। अध्ययन अध्यापन की जो भी शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम अगर डीएलएड में हम बीएड का नहीं करेंगे, और बीएड क्यों, उसी के अध्याय उसी के अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट मैटर्स के अकॉर्डिंग आपके उद्देश्यों के अनुसार यह अध्ययन अध्यापन की क्रिया चलेगी। मूल्यांकन विधि और प्रविधियों का चयन एवं निर्माण, मूल्यांकन में विधि और प्रविधि इन दोनों का होना अति आवश्यक। सिस्टम उसका बनाना, कौन सी विधि से किस सिस्टम से हम मूल्यांकन कर रहे हैं, और प्रविधियों का चयन एवं निर्माण हो। मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का प्रयोग। मूल्यांकन की प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठ जो आपको मल्टीपल च्वाइसेस को बोलते हैं, लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का प्रयोग आवश्यक है। मूल्यांकन जो हो वह हमेशा एक्सपीरियंस टीचर को ही करना चाहिए, वह एक्सपीरियंस के आधार पर ही मूल्यांकन कर सकता है। तो मूल्यांकन अनुभव, आपने जो अनुभव प्राप्त किया उसी के आधार पर मूल्यांकन की प्रक्रिया को अंजाम को संपन्न करना चाहिए। समय सीमा का ध्यान, एक खास टाइम फैक्टर के अंतर्गत ही मूल्यांकन की प्रक्रिया संपन्न हो जानी चाहिए। मूल्यांकन वैध एवं विश्वसनीय हो, उसमें कोई पक्षपात किसी तरह वह वैध होना चाहिए, उसमें पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए और विश्वसनीय, गोपनीयता। मूल्यांकन वैध और विश्वसनीय होना आवश्यक है। मूल्यांकन में व्यापकता और निरंतरता का ध्यान हो, वह निरंतर हो और उसमें वह व्यापक होना चाहिए। मूल्यांकन व्यवहारिक एवं निष्पक्ष हो, मूल्यांकन वह क्या होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए और निष्पक्ष भी होना चाहिए, उसमें किसी का कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। व्यवहारिक होना चाहिए जिसके अनुसार सबके साथ निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार हो सके। इसी प्रकार इसके अवांछित घटक हैं जिनके होने से मूल्यांकन प्रक्रिया जो है वह अशुद्ध हो जाती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है वह सही नहीं होती, वह जो अवांछित व्यवहार घटक मूल्यांकन विषय वस्तु से संबंधित नहीं है, मूल्यांकन विषय वस्तु से संबंधित नहीं होगा तो मूल्यांकन की प्रक्रिया वह क्या अवांछनीय हो जाएगी, वह गलत हो जाएगी। उद्देश्यों का निर्धारण नहीं किया गया नहीं हो सकती। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अध्ययन अध्यापन से संबंधित न हो, बिना अध्ययन मूल्यांकन विधि का चयन और निर्माण नहीं किया गया, अगर उनकी विधियों का ध्यान नहीं रखा गया हो और उनका चयन है कि किस आधार पर मूल्यांकन करना है, तो वह मूल्यांकन की सही दिशा नहीं होगी। मूल्यांकन अनुभव आधारित न हो तो भी वह अवांछनीय होगा। समय सीमा का ध्यान रखना आवश्यक है, नहीं रखने पर वह अवांछनीय होगा। मूल्यांकन वैध और अविश्वसनीय
नहीं होना। अगर उसमें पक्षपात होगा वह मूल्यांकन की प्रक्रिया गलत होगी। मूल्यांकन में व्यापकता और निरंतरता का ध्यान रखना आवश्यक है, नहीं रखने पर वह अवांछनीय घटक में चला जाएगा। मूल्यांकन व्यवहारिक एवं निष्पक्ष होना आवश्यक है, जैसा कि वांछित घटक में जानते हैं। अगर व्यवहारिक और निष्पक्ष नहीं होगा, पक्षपात किया जाएगा, तो वह इसका अवांछित व्यवहार, वह मूल्यांकन नहीं होगा, विश्वसनीय नहीं होगा, परफेक्ट नहीं। तो इस प्रकार आपकी आपने आज वांछित व्यवहार घटक और अवांछित व्यवहार घटक के बारे में जाना। यह मूल्यांकन दो व्यवहार घटक हुए, और अगले क्लास में हम इस पर मूल्यांकन प्लान और उस प्लान की प्रक्रिया क्या है। थैंक यू।